कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे रूट 53 में काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि एक जो डोमेन है हम लोग ने परचेज किया है गो डैडी में। डोमेन का नेम है technical-suffer.club। इस डोमेन को मैंने गो डैडी में परचेज किया है और इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो डोमेन होता है वो गो डैडी से परचेज करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि गो डैडी में काफी सस्ते रेट में आपको डोमेन अवेलेबल होते हैं कंपेरिजन ऑफ AWS। अगर आप परचेज करते हैं तो AWS में वो डोमेन काफी कॉस्टली रेट में मिलते हैं आपको। सेम डोमेन की बात करें, सेम नेम की बात करें, तो इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है कि जो डोमेन होते हैं वो आप AWS में परचेज करते हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जाता है आपका किसमें, आपके AWS में मैनेज किया जाता है। तो चलिए हम इस लेक्चर को परफॉर्म करते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर है किसी भी आपका इंस्टीट्यूट लेवल में या किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लेवल ऑनलाइन साइट में, मीन्स जो आपकी ऑनलाइन साइट है कोर्सेरा हो गई या उडमी है हो गई, उनमें ये परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो चलिए देखिए क्या होता है इसमें। तो मैं सबसे पहले अपने रूट 53 में चलता हूँ। ये मेरा मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस है, तो मैं इसमें अपने रूट अकाउंट से लॉग इन हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं सर्विसेज में जाता हूँ। यहाँ पे सर्विसेज में जाने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, रूट 53 में जाऊंगा। तो रूट 53 में देखिए क्या होता है, मैं जाऊंगा तो यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, मुझे कोई भी जोन क्रिएट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा फ्रेश अभी ये रूट 53 है। तो देखिए रूट 53 में मैं गया यहाँ पे, और देखिए रूट 53 में देखिए मेरे पास अभी कोई भी जोन नहीं है। अगर जोन होता तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। यहाँ पे अभी देखो यह कह रहा है केट होस्टेड जोन, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है केट होस्टेड जोन। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं अपने गोडेडी अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए मेरा गोडेडी का अकाउंट है, मेरा नाम ये ध्रुव नाम से लॉगिन है। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक डोमेन परचेज कर रखा है आपको इस सीरीज में प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। डोमेन का नेम है technical-suffer.club। आपने भी जो भी डोमेन परचेज किए होंगे, जैसे आप गोडेडी अकाउंट में लॉगिन करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे आपको। जितने भी डोमेन आपने परचेज किए होंगे या आपने SSL परचेज किया होगा गोडेडी से, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा तो आप अपने अकाउंट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे माई प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपका डोमेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखिए डोमेन आपका रिफ्लेक्ट कर गया। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले technical-suffer.club नाम का जो मैंने डोमेन परचेज किया है उसी नाम का आपको सेम नेम का आपको क्या करना पड़ेगा, अपने AWS में जोन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसी नेम का जोन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और देखिए मैं अपने AWS में आ गया। यहाँ पे आके मैं रूट 53 में क्रिएट होस्टेड जोन में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट होस्टेड जोन में मैंने क्लिक किया। ये देखिए क्रिएट होस्टेड जोन, डोमेन का नेम मैंने वही सेम कॉपी पेस्ट किया, और यहां पे मैंने दे दिया माई फर्स्ट वेबसाइट। आप कुछ भी दे सकते हैं कमेंट, और पब्लिक रखना है आपको या प्राइवेट रखना है, तो मुझे पब्लिक रखना है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पब्लिक रखना है आपको। आपने पब्लिक नाम या पब्लिक टाइप किया, और डोमेन नेम सेम आपको असाइन करना है जो आप जो भी आपने डोमेन नेम परचेज किया है गोडेडी से, सेम नेम आपको यहाँ पे असाइन करना है। तो मैंने देखिए सेम नेम असाइन किया है, और यहाँ पे पब्लिक होस्टेड जोन में क्लिक किया है, एंड क्रिएट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जोन क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर NS रिकॉर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, नेम सर्वर रिकॉर्ड, और साथ ही साथ आपका SO रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे NS रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और SO रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया। NS मीन्स नेम सर्वर रिकॉर्ड, और SOA रिकॉर्ड मीन्स स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। और दोनों ही देखिए technical-suffer.club नाम के लिए, technical-suffer.club नाम के लिए आप डोमेन नेम के लिए आपके NS रिकॉर्ड और SO रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। NS रिकॉर्ड में आपके ये 4 रिकॉर्ड आपको AWS प्रोवाइड करता है, डिफरेंट आपके टॉप लेवल डोमेन को रिजॉल्व करने के लिए, .com को रिजॉल्व करने के लिए, .com, .net को रिजॉल्व करने के लिए, .net, .org को रिजॉल्व करने के लिए, .org डोमेन, ऐसे ही .uk, .co.uk को रिजॉल्व करने के लिए, .co.uk डोमेन आपका दिया। तो अब मुझे इन्हीं NS रिकॉर्ड का यूज करना है। सो फ्रेंड देखिए अब मैं इन NS नेम सर्वर रिकॉर्ड का यूज करूंगा। ये 4 जो रिकॉर्ड
AWS ने प्रोवाइड किए इनका यूज करूंगा, तो वापस आपको कहाँ आना है, अपने GoDaddy के साइट में आना है। तो देखिए ये जो डोमेन है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा DNS का, इस DNS के ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे DNS ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे DNS डोमेन नेम सिस्टम की सेटिंग आपके इस साइट के लिए ओपन होंगी और यहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे जो AWS के डोमेन NS रिकॉर्ड होंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे A रिकॉर्ड, C नेम रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड। तो ये जो NS रिकॉर्ड है ये आपके किस सर्वर के लिए हैं, ये सर्वर है आपके बेसिकली AWS के रिकॉर्ड है, AWS के NS सर्वर के रिकॉर्ड है। तो सॉरी GoDaddy के ये जो है ये GoDaddy के नेम सर्वर के रिकॉर्ड है, ये दोनों देखिए, ये दोनों GoDaddy के नेम सर्वर के रिकॉर्ड है, ये GoDaddy के SOA रिकॉर्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों NS रिकॉर्ड को हटाना पड़ेगा इनको GoDaddy के, और यहाँ पे GoDaddy की जगह AWS के NS सर्वर को अपडेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इसको स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे नेम सर्वर का आएगा, नेम सर्वर में आप यहाँ करेंगे चेंज में, यहाँ पे देखिए ये नेम सर्वर के रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आप चेंज में क्लिक करेंगे। चेंज में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे देखिए इंटर योर ओन नेम सर्वर, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस में क्लिक किया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये दो, एक ये सर्वर एक ये सर्वर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पहले आप यहाँ से पहले सर्वर कॉपी करेंगे, ये देखिए पहला सर्वर है, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पहले जो विंडो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लास्ट से जो डॉट है वो डॉट हटा देंगे, याद रखिएगा लास्ट से डॉट हटा देंगे। सेम ऐसे दूसरा रिकॉर्ड यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे GoDaddy में आके, और यहाँ भी लास्ट से आप डॉट हटा देंगे। अब आपको और ऐड करने हैं दो, तो फिर से ये देखिए ऐड नेम सर्वर में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये तीसरा विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ उसके लिए आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना पड़ेगा और ये तीसरा रिकॉर्ड कॉपी करना पड़ेगा, इस तीसरी वाली विंडो में आप जाके फिर से पेस्ट करिए तीसरा रिकॉर्ड और उसके लास्ट से डॉट हटा दीजिए। चौथे रिकॉर्ड के लिए फिर ऐड नेम सर्वर में क्लिक करिए और यहाँ से चौथे रिकॉर्ड कॉपी करिए और इस चौथे रिकॉर्ड को यहाँ पे फिर से आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से डॉट हटा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेव में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपने किस तरह GoDaddy के जो नेम सर्वर के रिकॉर्ड थे साइट से वो आपने हटा दिए और यहाँ पे आपने AWS के नेम सर्वर के रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया इस साइट के लिए, technical-suffer.gov साइट के लिए। अब क्या होगा, ये आपका टाइम लेगा विद इन 1 to 2 hours या मैक्सिमम 24 hours मैक्सिमम ले सकता है, लेकिन आपको देखा जाता है तो 1-2 घंटे में ये ट्रांसफर कर देता है इसका। तो आप अब क्या कर सकते हैं कि AWS से आप इस डोमेन को मैनेज कर सकते हैं, जो साइट बनाएंगे आप AWS बनाएंगे और इस डोमेन नेम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेम सर्वर अभी देखिए आप रिकॉर्ड अपडेट नहीं दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे रिकॉर्ड ये सारे अपडेट हो जाएंगे अभी आपके, क्योंकि वहां पे अभी आपको क्या रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको, आपको अभी ये रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुए हैं, इसको टाइम लगता है अपडेट होने में। मैक्सिमम टाइम होता है जो 48 hours का होता है, 2 दिन का होता है, लेकिन देखा जाता है जो प्रैक्टिकली वे में अगर आप देखते हैं, क्योंकि मैं मेरा तो हर दूसरे दिन का काम है कि डोमेन को मैं ट्रांसफर करता हूँ, आपका SSL आपका इनेबल करता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वेबसाइट में इनक्रिप्शन अप्लाई करता हूँ, तो 2 से 3 घंटे में ये बेसिकली अपडेट हो जाता है GoDaddy का, जो भी आप नेम चेंज करते हैं या डोमेन में IP चेंज करते हैं आप, तो बेसिकली आपको 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप AWS से अपने जो साइट है technical-suffer.club साइट को आप मैनेज कर सकते हैं फुली। तो आप फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे अगर कोई साइट आप GoDaddy में परचेज करते हैं और तो उसको AWS में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल मैंने आपको यहाँ परफॉर्म करके दिखाया।